वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासीं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोके भवती भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं स्कंद एक अध्याय नौ। अध्याय नौ का शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो अभी तक हमने जो चर्चाएं की हैं, जो अंतिम चर्चा हमने श्लोक संख्या 14 और 15 में की, उसमें चर्चा हुई है कि किस प्रकार से जो है भीष्म देव जी जो है 12-13 में जो है सिंपथी दिखा रहे हैं पांडवों को और कुंती देवी को, कि इतने महान लोग होते हुए भी उनको कष्टों का सामना करना पड़ा और काफी कष्ट सहे उन्होंने। फिर 14 से 15 में हमने चर्चा की कि समय और काल परिस्थिति के अनुसार हर एक व्यक्ति को जो भी भौतिक जगत में आ जाता है, भले ही वो दिव्य क्यों ना हो, उसको काल के अनुसार कार्यकलाप करने पड़ते। यहां तक कि ब्रह्मा जी देवी देवता इन सब को काल के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ये काल भगवान की नियुक्त की हुई एक सेविका है जिसके द्वारा हमें उस काल के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, जो कि भगवान के निर्देशन के अंतर्गत होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। फिर हमने 16-17 में जो चर्चा की कि भगवान की जो जो नियुक्ति होती है, भगवान जो प्लान करते हैं, है ना, तो वो प्लानिंग के अंतर्गत हमें चलना पड़ता है और बिल्कुल सटीक प्लानिंग है भगवान की, सब कुछ सुचारू रूप से भगवान चलाते हैं। तो आज हमारी श्लोक संख्या जो है क्या है, कौन बताएगा आज की हमारी श्लोक संख्या? 16 और 17, ठीक है ना। औरों को भी मौका दिया करिए कई बार। दर्शन कृष्ण प्रभु। तो आज हम चर्चा करेंगे 16 और 17 के ऊपर। तो अभी तक जो हमने चर्चा की है, अंतिम चर्चा, उसमें भगवान की योजनाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो श्लोक संख्या 16। न हास्यम कश्चिद्राजना तुमान वेदा विदित सतम यद्विज्ञासयाम युक्ता मोहन्ति कवयो अपि ही। अनुवाद इस प्रकार से है, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। ये कौन किसको कह रहा है? ये भीष्म पितामह, युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडवों को कह रहे हैं। हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक, है ना, उसके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। कि भगवान के प्रति जिज्ञासाएं बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, चिंतक, कई लोग भगवान की वाणी या भगवान की जिज्ञासा करते हैं, भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, भगवान का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, और भगवान को कोई समझ नहीं सकता। यहां तक कि हम 6 क्वालिटीज भगवान की मुख्य जानते हैं, बट सिर्फ 6 क्वालिटीज भगवान के अंदर नहीं है, भगवान के अंदर तो असंख्य इतनी क्वालिटीज हैं जिनको तो हम गिन भी नहीं सकते, हमारी सोच शक्ति से परे है भगवान की जो शक्तियां हैं। क्योंकि सोचिए, भगवान इस संसार में सब कुछ कितनी सुचारू रूप से चला रहे हैं जिसका सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। कि अगर सृष्टि से सूर्य कुछ समय या कुछ दूरी तक चला जाए तो वनस्पति सब जल जाएंगे, और अगर सूर्य सृष्टि के थोड़ा हमारे अर्थ के पास आ जाए तो क्या हो, तो वनस्पति फिर से मृत हो जाएंगे। तो दूर जाने से भी, पास आने से भी जो है, तो सूर्य और धरती की जो
दूरी है, बिल्कुल सटीक है। यहां तक कि जो सांस ले रहे हो आप, ये जो सांस लेने की जो विधि है, जब हम एयर को ले रहे हैं, इसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं उनको भरपूर मात्रा में अन्न खाने को मिल रहा है, उतनी उपज है। इस पृथ्वी पे जितने लोग रहते हैं उतनी मात्रा में आपको जल पर्याप्त मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें पूर्ण किस प्रकार से हो सकती हैं, क्योंकि भगवान हमारे सृष्टि में, भगवान ये सब सुचारू रूप से चला रहे, इसीलिए किसी चीज की आवश्यकता हमें इससे ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि सुचारू रूप से भगवान ने वो नियुक्त करा। हो सकता है हम किसी चीज की प्लानिंग करें उसमें कमी हो सकती है, परंतु भगवान की गई प्लानिंग में कभी कोई कमी नहीं हो सकती, और उनकी विशेष बुद्धि को कोई समझ नहीं सकता, है ना। तो यहां आगे बताया जाता है, तात्पर्य में जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक, तो यहां पर बताया जा रहा है प्राधिकृत पुरुष कौन है, 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह, ठीक है ना। तो प्राधिकृत 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे हैं कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजनाओं को नहीं जान पाया। तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं अचिंतनीय हैं, दिव्य हैं, हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं, और दिव्य कार्यकलाप है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी और शिव जी तक उनकी जो प्लानिंग है, उनकी जो सोच है, जो भगवान विचारवान भगवान है, उनको सोचना, वो क्या सोच रहे हैं, क्या व्यवस्था नियुक्त कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते कोई। और कहने का मतलब है, भगवान जब एक कोई लीला रचते हैं तो उसके पीछे कई सारे तथ्य भगवान पूरे कर देते हैं। जैसे भगवान का आगमन जब होता है इस पृथ्वी के ऊपर, इस सृष्टि में, तो भगवान भक्तों के साथ रास भी, भगवान भक्तों के साथ लीलाएं भी करते हैं, उनके साथ संग भी करते हैं, अपनी कृपा भी प्रदान करते हैं, असुरों का वध भी करते हैं, शिक्षा भी प्रदान करते हैं, शास्त्रों को प्रस्तुत भी करते हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। तो ऐसे कई कार्य भगवान कर जाते हैं जो एक व्यक्ति का करना बहुत असंभव है, इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि वो ऐसे असंभव कार्य को भी संभव कर पाते। तो आगे बताया जाता है, भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे हैं कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। कि भगवान को पूर्ण रूप से समझ लेना, इसके बारे में भी अगर हम जिज्ञासा करते हैं तो व्यर्थ है। भगवान से तो, भगवान को जानने के लिए तो एक माध्यम है। कहते हैं भगवान को किस प्रकार से जाना जा सकता, भगवान को किस प्रकार से जाना जा सकता है, कोई बताएगा मुझे? और भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भगवान को जानने की एक विधि है, भगवान को जानने की एक विधि है श्रवण कीर्तन और साधु संग। कहते हैं साधु संग भजन क्रिया, इसके द्वारा भगवान को जान सकते हो। और भगवान को कितना जान सकते हो आप? भगवान को सिर्फ आप इतना जान सकते हो कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और हम भगवान के दास हैं, और हम भगवान के ऋणी हैं। इससे ज्यादा भगवान को जानना असंभव है। जो इतना जान लेता है, कहते हैं भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है, क्योंकि इतना भगवान को जान लिया कि सर्वशक्तिमान वो कृष्ण हमारे परम पिता हैं और हम उनके दास हैं, ये हमारी उनके साथ जो संबंध है, सिर्फ इतना जान लेना, भगवान कहते हैं तुमने पूर्ण को जान लिया। क्योंकि तो भगवान को पूर्ण तरीके से जानना असंभव है, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं ये पूर्णता है, अगर कोई अपने दास के रूप में मुझे जान जाता है कि मैं उनका दास हूं और मैं ही सर्वप्रथम हूं, तो वो पूर्ण रूप से भगवान को जान लेता है। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। यहां तक कि मुनियों द्वारा
गहन दार्शनिकों जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। कि कोई भी दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, कई लोगों ने प्रयास किया परंतु ये संभव नहीं हो पाया। अतः सर्वोच्च सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए, क्योंकि तो भगवान प्रेम के लिए हैं, तर्क वितर्क के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में तर्क करता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को जानने का एक सरल तरीका ये है कि जो हृदय से सरल है, जो स्वीकार करने वाला है, वो भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। मगर जो सरल हृदय का नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो भगवान को प्राप्त करने में उसको कई जन्म लग जाए। इसके पीछे एक सुंदर कथा भी आती है कि एक बार नारद मुनि इस पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे, तो नारद मुनि ने वापस जाने का निर्णय लिया कि मैं भगवान से मिलने वापस जा रहा हूं। तो बोले, चलो मैं भक्तों के प्रश्न लेता जाता हूं, कोई भक्त भगवान से कुछ पूछना चाहे तो भगवान को जाके बोलूंगा कि भाई भक्त आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। तो पहले वो एक ब्राह्मण के पास गया, जो ब्राह्मण दिन में 3 टाइम स्नान किया करता था, पठन पाठन किया करता था, यजन ज्याजन किया करता था, पढ़ता था, यज्ञ करता था। उसके पास नारद मुनि गए, नारद मुनि जाके खड़े हुए, उन्होंने बोला कि मैं नारद हूं, भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, तुम्हारा कोई प्रश्न है तो तुम पूछ लो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए ये प्रश्न पूछ लूंगा। तो पहले तो ब्राह्मण को जरा संकोच हुआ कि भाई ये नारद मुनि है कि भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, संकोच में उन्होंने पूछ लिया कि भगवान से पूछ लेना कि मेरा उद्धार कब होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं ये प्रश्न पूछ लूंगा। फिर उन्होंने कहा, चलो दूसरे व्यक्ति से पूछ लेता हूं। तो वो गए, पीपल के पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था, मोची से पूछा कि देखो मैं नारद हूं और मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, तुम्हारा कोई प्रश्न है तो पूछ। तो उन्होंने बोला कि भगवान से ये पूछ लेना कि मुझ गरीब पे कृपा कब करेंगे, मुझे कब दर्शन देंगे। तो वो ये प्रश्न लेके भगवान के पास पहुंचे, भगवान से मिले, अति प्रसन्नता हुई। भगवान ने पूछा, कोई भक्त मिले, कोई प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा, जी 2 भक्त मिले थे, उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक आपसे प्रश्न पूछा। तो पहले एक तो ब्राह्मण ने पूछा था जी, वो ब्राह्मण पठन पाठन करता है, यजन याजन करता है, 3 टाइम स्नान करता है, मंदिर में पूजा करता है। तो उसने पूछा है कि मेरा उद्धार कब होगा। तो भगवान ने कहा, उससे कह देना कि कई जन्मों में उसका, 100 जन्मों में उसका उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि जब समझ गए, क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसको नारद मुनि पे विश्वास नहीं हो रहा था, उसको ये बिल्कुल विश्वास नहीं था कि भगवान के पास कोई प्रश्न लेके जा भी सकता है, क्योंकि वो संकोच में था, उसके मन में डाउट था, क्योंकि उसका हृदय जो था सरल नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड था। वो सोच रहा था भगवान भी मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, नारद मुनि होंगे नहीं होंगे। तो वो भगवान समझ गए, क्योंकि सरल हृदय वाला ब्राह्मण नहीं था, फिर भी मन में डाउट था। तो उन्होंने बोला, कई जन्मों में इसका उद्धार हो जाएगा। बोले, दूसरा भक्त क्या कह रहा था। बोले, वो एक साधारण मोची था जिसको बिल्कुल भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, परंतु आपका नाम जपता रहता है, और जब मैं उसके समक्ष गया तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने बोला कि भगवान से पूछना कि भगवान जो है, अच्छा एक प्रश्न और था साथ में जो मैं बताना भूल गया। उन्होंने ये पूछा कि मेरे पे कृपा कब करेंगे भगवान, और ये बताइए मेरे भगवान करते क्या है। तो उन्होंने कहा, ये प्रश्न पूछा है। तो भगवान ने उत्तर दिया, जाओ और मोची को कह देना कि तुम्हारे भगवान जो है सुई की छेद में से हाथी को निकालते हैं। किसे? सुई की छेद में से हाथी को निकाल देते हैं। और पूछा है उन्होंने
कि मेरे भगवान जब मेरा मेरे पे कृपा कब करेंगे, तो कह देना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठा है, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं, उन पत्तों के जितना, उन पत्तों को अगर गिना जाए, इतने जन्मों में मैं उसका उद्धार कर दूंगा। तो ये दोनों उत्तर लेके जो है वो पहुंचे, तो ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव आपको उत्तर दिया है भगवान ने? तो वो भगवान ने कहा है 100 जन्मों में आपका उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मण हुआ क्रोध में, बोला मुझे मालूम था तुम बहुरूपिया हो, इसीलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा, मुझे मालूम था तुम भगवान के पास नहीं गए हो, क्योंकि पहले से उसका हृदय डाउट में था। और उसने फिर क्या किया, नारद मुनि का निरादर किया। फिर भी नारद मुनि जो है भक्त है, नारद मुनि वहां से चले गए। वो पहुंचे उस मोची के पास, मोची ने पूछा कि हे भगवान मेरे लिए क्या संदेश लाए हैं भगवान से? तो बोले कि पहले ये बता दीजिए कि मेरे भगवान करते क्या हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे भगवान जो है सुई की छेद में से हाथी को निकाल देते। बोले अच्छा अच्छा, फिर ये भी बता दीजिए मुझ पर कृपा कब करेंगे? तो बोले जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, इसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे, तुम पे कृपा हो जाएगी, तुम्हें दर्शन दे देंगे। तो वो ब्राह्मण, वो जो मोची था, वो खड़ा होकर नाचने लगा जोर जोर से। तो ब्राह्मण, वो नारद मुनि बोले नाच क्यों रहे हो? तो बोले जो आपने पहले उत्तर दिया है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। बोले कैसे? अरे मेरे भगवान जो है पीपल के पेड़ पे जितने पत्ते हैं उतने जन्मों में मेरा उद्धार कर देंगे, और पहले आपने मुझे उत्तर दिया कि भगवान सुई की छेद में से हाथी को निकालने का काम करते हैं, जो सुई की छेद में से हाथी को निकाल सकता है उसके लिए पीपल के पत्तों समान कई जन्म क्या है, वो तो एक ही जन्म में मेरा उद्धार कर सकता है। तो मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है, मैं भगवान से इतनी प्रार्थना करूंगा कि एक ही जन्म में भगवान मेरा उद्धार कर देंगे। तो भक्त के हृदय पर निर्भर करता है कि भक्त भगवान पे कितना निष्ठावान है, भगवान उतने जन्मों में उसका उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान तो सुई की छेद में से हाथी को भी निकाल सकते हैं, क्षण भर में इस क्लास के खत्म होते किसी पे उद्धार हो सकता है, पूर्ण शरणागति उस पर निर्भर करता है कि भगवान किस पे कृपा करेंगे। तो आगे जो चर्चा है वो इस प्रकार से है, आगे बताते हैं कि यहां तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से नहीं निश्चित नहीं कर पाती, अतः सर्वोत्तम नीति से किए बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन करना चाहिए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे, क्योंकि पांडव दिव्य थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि भगवान जब सृष्टि पे आते हैं तो अपने साथ अपने पार्षदों को, अपने अंतरंग पार्षदों को लेके आते हैं ताकि लीलाओं को वो कर सके। भगवान की योजनाएं तो धर्म का राज स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके भी भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो जब भगवान लीलाएं रचते हैं तो भक्तों को उनके साथ सहयोगी बन के आना पड़ता है, और कुछ समय के लिए उन्हें भी उनके साथ वो पात्रता निभानी पड़ती है, उन कष्टों को सहना पड़ता है। जैसे कि जब कोई ड्रामा होता है उसमें कई सारे पात्र होते हैं, उन पात्रों को निभाना पड़ता है ना, उसी तरीके से जब भगवान आते हैं तो लीलाएं रचते हैं, उसमें अपने साथियों को लेके आते हैं, उस समय अपने दासों को लेके आते हैं, अवधूतों को लेके आते हैं, और वो भगवान के साथ उनकी लीलाओं में उनका सहयोग देते हैं। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे, और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे, यद्यपि वह स्वयं उसके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, कि महान योद्धा होते हुए भी जीत ना पाए, क्योंकि भगवान यह निश्चित दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जिता सकता, भले ही कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे भले ही कितना दिव्य व्यक्ति हो, परंतु अगर अधर्म के साथ खड़ा है तो कभी भी अधर्म की विजय नहीं हो सकती, ये भगवान दर्शाना चाहिए, आप समझ रहे। इसीलिए भगवान ने भीष्म पितामह को अधर्म की तरफ नियुक्त किया, ऐसा नहीं था भीष्म पितामह ने गलती की, भीष्म पितामह अपनी जगह सही कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उन्हें नियुक्त किया था, क्योंकि अर्जुन भी भगवान के दास थे और दुर्योधन भी भगवान के दास थे।
तो भगवान ने उनके साथ उन्हें नियुक्त किया, इनके साथ खुद नियुक्त हुए। तो भगवान लीलाओं के द्वारा प्रस्तुत करते हैं सारी चीजों को, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्म देव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। किसके अनुसार? भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने युद्ध किया। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? ना कर रहे हैं विकर्मा, ना कर रहे हैं कर्मा, यहां क्या कर रहे हैं? अकर्मा। अकर्मा मतलब भगवान के द्वारा बताए गए निश्चित रूप से किए गए कार्यों को अकर्म कहते हैं। क्योंकि भगवान यह सिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकते। भले ही कितना भी महान योद्धा क्यों ना हो, अगर अधर्म के साथ रहेगा तो कभी जीत निश्चित नहीं हो सकती। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जीत निश्चित पहले ही हो चुकी थी, युद्ध से पहले जब अर्जुन भगवान के पास गए और दुर्योधन भगवान के पास गए। अर्जुन ने क्या किया? भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान से भगवान को मांगा, और दुर्योधन ने भगवान की सेना मतलब उनकी संपत्ति को मांगा। तो भगवान से क्या जीता? भगवान को ही जीत लिया, इसीलिए उसको विजय प्राप्त हुई। और दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन ने भगवान की संपत्ति को मांगा, मतलब इस भौतिक जगत, मतलब कहने का मतलब वो कि भगवान की संपत्ति को जो चाहता है वो विजयी नहीं हो सकता, जो भगवान को चाहता है वो विजयी हो जाता है। तो युद्ध पहले ही जीता जा चुका था, ये तो केवल कार्यकलाप हो रहे थे। आगे श्लोक संख्या 17 की चर्चा करेंगे। तस्मादिदं देव्यंत्रं वस व्यवस्य भरत सभा तस्यानुहितो अनाथ नाथ पाही प्रजा प्रभो। अनुवाद इस प्रकार से है, अतएव हे भरत वंश के श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंतनीय योजनाओं को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं।